हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट हार्डली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपसे वो है श्री अरविंदो, है ना। आज हम जानेंगे कि अरविंदो कौन थे और उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया था, एजुकेशन किस तरह से किया था, और उनकी बोन कब हुई थी, उनकी डेथ कब हुई थी, उनका मतलब लिविंग जीवन मतलब कितने साल का था। तो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्लास किस क्लास वालों के लिए है। ये यूजी बीए है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की क्लास चल रही है, जिसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने देखा था कल की क्लास में, जिसमें हम देखे थे कि पुनर्जागरण क्या होता है। पुनर्जागरण के बारे में हमने कल थोड़ी सी बात की थी कि पुनर्जागरण किसे कहते हैं और पुनर्जागरण के जो फादर ऑफ यानी कि जो उसके फाउंडर थे वो कौन थे। तो हमने देखा था कल कि राजा राम मोहन राय ये फादर ऑफ रेजिनेंस टू इंडिया यानी उसके फाउंडर थे। तो ये बातें कल की क्लास में हुई थी। आज की जो क्लास है वो है मिस्टर श्री अरविंदो घोष, जिनको हम अरविंदो के नाम से ही जानते हैं। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा कि इनका फुल नेम क्या था, तो हम बताएंगे कि इनका पूरा नाम था अरविंदो घोष। तो चलिए देखते हैं कि ये जो देख पा रहे हैं आप, ये हैं मिस्टर श्री अरविंदो घोष, है ना। और इनका फ्यूचर क्या था एंड ईयर फ्यूचर के बारे में दिया है कि राइट एंड रियलाइज ऑफ द ओल्वर और डॉक्यूमेंट्री। लेकिन उसको जानने के पहले हम देखेंगे कि इनकी बोन, है ना। हम जब किसी भी राइटर को, किसी भी लेखक को देखते हैं, तो सबसे पहले उसके हम जीवन पे ही जाते हैं कि उसकी बोन कहाँ हुई थी, किस जगह पे हुई थी, कौन सा स्थान था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बोन दिया है मिस्टर अरविंदो घोष का। और जब हम फुल नेम पूछेंगे तभी इसको फुल नेम में ही अरविंदो घोष को हम पूरा नाम लेते हैं, वरना हम अरविंदो ही बोल देते हैं। श्री अरविंदो के नाम से हम जान जाते हैं। और जब फुल नेम पूछता है तो हम बताते हैं कि मिस्टर श्री अरविंदो घोष इनका फुल नेम था। और इनकी जो बोर्न हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1872 में इनकी बोर्न हुई थी। और जगह कौन सा था, जगह के बारे में हम अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा कि कोलकाता यानी जो कलकत्ता है, बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया का, है ना, प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता बंगाल में है वहां पे इनकी बोर्न हुई थी। और डेथ में हम देखेंगे तो डेथ हमें मिलेगा कि 5 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हुई थी। और हम जीवित रहने की बात करेंगे कि ये कितने वर्ष तक जीवित थे, तो हम देखेंगे कि इनका जो एज था, जीवन काल था, वो 78 ईयर का था। और आगे फिर हम देखेंगे इसमें कि इनके जो मतलब जहां मृत्यु हुई थी वो कौन सा स्थान था। हमने बॉर्न में तो देखा कि कोलकाता था, है ना, और बंगाल प्रेसिडेंसी, लेकिन मरड वाला इनका मृत्यु कौन से स्थान पे हुआ था, तो हम बताएंगे कि पांडिचेरी, है ना, जिसको आप पांडुचेरी बोलते हैं उसका नाम पांडिचेरी हो गया, है ना। और फिर फ्रेंच इंडिया का ही था ये फ्रेंच इंडिया, फ्रेंच इंडिया। आप देख पा रहे हैं कि एक जगह पांडुचेरी लिखा है, एक जगह पांडिचेरी लिखा है। तो हम जान गए, हमें अभी तक क्या सीखा कि जो हमारे अरविंदो घोष जी हैं उनका हम जब शॉर्ट नाम लेते हैं तो श्री अरविंदो ही कह देते हैं, लेकिन जब हम फुल नेम की बात करते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है, तो हम बताते हैं कि अरविंदो घोष इनका पूरा नाम था। दूसरी बात कि ये कब और किस डेट में पैदा हुए थे, किस सन में पैदा हुए थे, तो हम बात करेंगे कि 15 अगस्त 1872 में ये पैदा हुए थे और स्थान कौन सा था, कलकत्ता, है ना। और डेथ की बात करेंगे तो डेथ में हम देखेंगे कि 5 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हुई थी और इनका जीवन काल जो पूरा चला था वो 78 ईयर चला था। आगे हम देखेंगे कि इनका रिलीजन क्या था, है ना, इनका धर्म क्या था वो, तो हमें मिलेगा कि रिलीजन जो है इनका वो हिंदू है। नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता इनकी क्या थी, वो इंडियन थी, है ना। फिर अल्मा मेटर जो था वो अल्मा मेटर में देखेंगे, अल्मा मेटर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके आ जाता है कि जो अरविंदो थे उनका अल्मा मेटर क्या था, तो हम बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की बात करेंगे और हम देखेंगे कि नीचे जब बताएगा कि पूछेगा कि इनके जो ये थे श्री अरविंदो जी थे उनके रिलेटिव्स कौन कौन थे, तो रिलेटिव में हम बताएंगे कि मिस्टर जो राज नारायण बोस जी थे वो इनके क्या थे, मैटरनल, आपको पता है कि मैटरनल ग्रैंड फादर जो होते हैं वो मामा कहलाते हैं, है ना, मैटरनल जो ग्रैंड फादर होते हैं वो मामा जी कहलाते हैं यानी कि मॉम के ब्रदर। और फिर इसी में नीचे दिया है कि जो मनमोहन घोष जी थे वो इनके कौन थे, भाई लगते थे। यहाँ पे आप मामा कर सकते हैं, आपको हिंदी नहीं लिखना, बस मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे लिखने का। ये यहाँ पे भाई हो जाएंगे और ये नीचे इनके जो दूसरे नंबर वाले भाई थे उनका नाम था बीरेंद्र कुमार घोष, बीरेंद्र कुमार घोष ये भी इनके रिलेटिव थे यानी कि भाई कहलाते थे। और कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अरविंदो घोष जी जो थे वो सिग्नेचर किस तरह से करते थे, इनका सिग्नेचर किस तरह से रहता था, तो कुछ इस तरह से ये सिग्नेचर करते थे, इनका सिग्नेचर कुछ इस तरह से रहता था, कुछ इस तरह से ये सिग्नेचर करते थे। और फिर हम देखेंगे आगे, आगे हम देखेंगे कि हम इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था अर्थात इनका जो संगठन था वो किस तरह का था और किस संगठन के ये फाउंडर थे, तो हम बताएंगे कि संगठन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे कौन, श्री अरविंदो घोष जी, है ना, अरविंदो आश्रम करके एक था जिसके ये फाउंडर थे। कहने का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलता था जिसके फाउंडर कौन थे, श्री अरविंदो घोष, और इसी फाउंडर का जो आश्रम चलता था इन्हीं के नाम पे ही था कि श्री अरविंदो घोष का आश्रम। फिर हम दर्शन की बात करेंगे, फिलॉसफी की बात करेंगे, फिलॉसफी में हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि इंटीग्रल योगा यानी कि एकात्म योग की बात कर रहा है, ये इनके दर्शन के अंदर जो आता है वो एकात्म योग आता है। और इसी में आ जाता है आपका कि एगुलेशनम और इंटरमीडिएट जोन्स आएगा, फिर सुपर माइंड आ जाएगा, तो सुपर माइंड की बात हम करेंगे जब, तो उद्विकास का विकास आता है, इसमें आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे उद्विकास का सिद्धांत, का सिद्धांत, और यहाँ पे लिखेंगे मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट जोन होता है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती क्षेत्र, और इसको हम सुपर माइंड को सुपर माइंड ही कहेंगे, सुपर माइंड को हम सुपर माइंड ही कहेंगे। तो इनके फिलॉसफी के अंदर हमें क्या देखने को मिला, एकात्म योग देखने को मिला, एकात्म योग, और दूसरा क्या मिला, मध्यवर्ती क्षेत्र देखने को मिला, और लास्ट में जो मिला हमें वो सुपर माइंड देखने को मिला, सुपर माइंड, ये सारी चीजें हमने फिलॉसफी के अंदर देखा। और किसकी फिलॉसफी, श्री अरविंदो, फुल नेम श्री अरविंदो घोष। तो आज तक मतलब आज की क्लास में हमने अभी स्टार्टिंग में ये सीखा कि अरविंदो कैसे दिखते थे, जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह दिखते थे, इनकी बोन कब हुई, डेथ कब हुई और किस जगह पे हुई, ये सारी बातें, किस जगह पे इनकी डेथ हुई, कितने एज तक ये जीवित रहे, ये सारी बातें हमने देखा। फिर हमने देखा कि इनका रिलीजन क्या था, नेशनलिटी क्या था और अल्मा मैटर क्या था, इनके रिलेटिव के अंदर कौन कौन आते थे, ये सारी बातों को कवर किया। हमने देखा कि किस तरह ये सिग्नेचर करते थे और सिग्नेचर के बाद फिर थोड़ी सी आगे बढ़े तो हमने देखा कि इनका एक संगठन था और श्री वो संगठन क्या कहलाता था, श्री अरविंदो आश्रम कहलाता था जिसके ये फाउंडर थे। और फिलॉसफी के अंदर हमने देखा कि एकात्म योग यानी कि इंटीग्रल योगा और फिर उद्विकास का सिद्धांत मिला हमें, इंटरमीडिएट जोन यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र मिला और सुपर माइंड मिला। और अब इसके आगे हम देखेंगे, इसी के आगे हम देखेंगे तो हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका लाइफ इवेंट कैसा था और किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, वो सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं, अभी तक हमने जो भी देखा अरविंदो, मतलब उनके फिगर को देखा, उनका बोन देखा और फिर किस जगह पे उनका बोन हुआ था, वो स्थान कौन सा था, वही चीज यहाँ पे भी बताया है कि श्री अरविंदो
श्री अरविंदो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पे आएंगे। तो हमने जो इसके पहले इंट्रोडक्शन करवाया, इसमें भी वही सारी चीजें सम्मिलित होंगी, सारी चीजें सम्मिलित होंगी। तो देखेंगे कि श्री अरविंदो इंट्रोडक्शन, तो श्री अरविंदो बोर्न है ना, श्री अरविंदो बोर्न अगस्त 1587 टू फिर कोलकाता, नाउ कोलकाता, मतलब पहले कोलकाता था, अब हम इसको कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता था अब कोलकाता कहते हैं। और इसमें देखा कि इंडिया डाइड, यानी कि दिसंबर में, 5 दिसंबर 1950 पौंडीचेरी में, और अब इसका नाम पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी से पौंडीचेरी हो गया, हमने इसको पहले ही बताया था। फिर वाज ए योगी सीयर, फिलोसफर, पोएट, ये क्या क्या थे, फिलोसफर भी थे, पोएट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, फिर हु पोंडेंड एंड फिलोसफी ऑफ डिवाइन लाइफ इन अर्थ थ्रो स्पाइरल एवोल्यूशन। तो ये बातें हमने देखी कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिल गया। फिर हम आगे देखेंगे कि इनका एजुकेशन किस तरह से था, इनका एजुकेशन किस तरह से था। एजुकेशन की बात करेंगे हम तो देखेंगे कि श्री अरविंदो एजुकेशन इज इंग्लैंड एक्सप्रेस्ड हिम टू द कल्चर ऑफ द एंशियंट मिडाइवल एंड मॉडर्न यूरोप, यानी इन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली थी वो कहाँ से ली थी, इंग्लैंड से। आपको ध्यान ये देना है कि आपको जब पेपर में लिखना रहेगा, पेपर में आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जो इसके पहले मैंने आपको बताया उसमें बॉर्न, डेथ और थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन है ना, रिलेटिव वगैरह के बारे में और सिग्नेचर वगैरह के बारे में पूछ लेता है, फिर इंट्रोडक्शन में आएगा। तो आप इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, पहले बॉर्न देख लेंगे कि इनका बॉर्न क्या था, बॉर्न को देखेंगे और आप सन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर कौन सा प्लेस था, प्लेस को हम ध्यान देंगे कि इनका प्लेस कौन सा था, कौन से स्थान पे ये पैदा हुए थे, और पहले कलकत्ता कहा जाता था, आज इसको हम कोलकाता कहते हैं। और जब इनकी डेथ हुई थी तो डेथ को हम देखेंगे कि 5 दिसंबर 1950 को, और इनका जीवन काल जो था वो हमने आपको बताया कि 78 ईयर ये जीवित थे। और ये क्या क्या थे, ये फिलोसफर भी थे, पोएट भी थे, इंडियन नेशनलिस्ट भी थे, और यहाँ पे बताया स्पाइरल एवोल्यूशन। तो ये इंट्रोडक्शन में इतनी बातों को हमें कवर करना है। फिर हम एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे कि एजुकेशन इन्होंने कहाँ से लिया था, एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि श्री अरविंदो, यानी कि इनका फुल नेम जो था हमने आपको बताया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि इनका जो फुल नेम था वो हम बताएंगे कि श्री एरोबिंदो, यानी अरविंदो, हिंदी में अरविंदो लिखते हैं और इंग्लिश में हम इसको एरोबिंदो बोलते हैं, घोष, इनका फुल नेम था श्री अरविंदो घोष। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन जो ली थी वो इंग्लैंड से ली थी, इस बात को आपको याद करना है। और एक्सपोज कहाँ से हुए थे, कल्चर ऑफ द एंशियंट मिडाइवल एंड द मॉडर्न यूरोप से। फिर ही वाज ए ब्रिलियंट स्कॉलर इन ग्रीक एंड लैटिन, इनको दोनों भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाएं आती हैं, एंड आल्सो लर्न फ्रेंच, इनको फ्रेंच भी आता था, जर्मन भी आता था और इटालियन भी आता था। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो एरोविंदो जी थे उनको कौन कौन सी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा बेस पे आती थी, तो हम बताएंगे कि ग्रीक, लैटिन है ना, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन। ही स्टडीज आप किंग कॉलेज, ये कहाँ पे पढ़े थे, किंग्स कॉलेज, जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज का क्या नाम था, किंग्स कॉलेज, और ये कहाँ पे था, कैम्ब्रिज, वेयर हिज पास द ट्रिप्स ऑफ द फर्स्ट क्लास। इन्होंने, होता है ना कि बच्चा कौन से डिवीजन से पास हुआ है, तो फर्स्ट डिवीजन से ये पास हुआ, फर्स्ट क्लास। ही आल्सो सेट द रिकॉर्ड मार्क्स इन द ग्रीक एंड लैटिन इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जब ये इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे थे तो कौन सी लैंग्वेज में कर रहे थे, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में। अब हम देखेंगे फाउंडर ऑफ आश्रम, फाउंडर ऑफ आश्रम को देखेंगे तो फाउंडर ऑफ आश्रम मैंने आपको बताया कि फाउंडर ऑफ आश्रम जो थे वो नाम था इनका, नाम इनका जो था वो था अरविंदो घोष है ना, श्री अरविंदो घोष आश्रम, बिंदो घोष
आश्रम। इसमें कह रहा है इन 1926 विद द हेल्प ऑफ हिज स्पाइरल कोलैबोरेटर मीरा अल्फास, है ना, रिफर टू एज द मदर। मीरा अल्फास दी जो थी वो रिफर्ड क्या एज अ मदर के रूप में। श्री अरविंदो आश्रम वाद फाउंडेड श्री अरविंदो वादा नॉमिनेटेड ट्वाइस, मतलब अपने नाम से ही आश्रम को चलाते थे। कहने का मींस क्या हुआ कि जो ये फाउंडर ऑफ आश्रम था वो कौन चलाते थे, तो हम बताएंगे कि श्री अरविंदो घोष जी। अपने नाम पे ही इन्होंने आश्रम का ऑर्गेनाइज किया था। और नॉमिनेटेड टू द नोबेल प्राइज विदाउट द बीइंग ऑफ अवार्डेड, मतलब इनको एक नोबेल प्राइज मिला था। इस पे आप हाईलाइटर कर लेंगे, हाईलाइट करेंगे इसको कि जो नोबेल प्राइज इनको मिला था वो कौन से सर में मिला था, कौन से सर में मिलेगा, तो बताएंगे अवार्डेड इन 1943 में। 1943 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल अवार्डेड इन द लिटरेचर, लिटरेचर में कब मिला था, 1950 को। नोबेल अवार्डेड मिला था हम बताएंगे 1943 को, और नोबेल अवार्ड जो है वो 1950 में, द नोबेल अवार्ड इन पीस। और आगे इसमें हम देखेंगे इनका जो फेमस वर्क था वो क्या था। फेमस वर्क की बात करेंगे तो क्या था फेमस वर्क, मतलब किस किस में ये बहुत ज्यादा फेमस थे। तो फेमस वर्क की बात जब हम करेंगे, फेमस वर्क की बात करेंगे तो फेमस वर्क में हमारा मिल जाएगा कि श्री अरविंदो 1872 1950 वाज ए पोएट थिंकर फ्रीडम फाइटर योगी एंड द स्पाइरल लीडर सम इज द मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड। मतलब इनके अंदर पोएट वाली भी, मतलब पोएट का भी काम किए थे और फ्रीडम फाइटर का भी काम किए थे ये, और योगा वगैरह भी। ये योगी नहीं है, योगा रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, योगा रहेगा। और योगा भी इन्होंने बताया था, सिखाया था, स्पाइरल लीडर भी थे ये। और सम हिज मोस्ट फेमस वर्क, इनके अंदर बहुत सारे वर्क करने की क्षमता इंक्लूड थी। आगे हम देखेंगे कि इनका लाइफ डिवाइन कैसा था। लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन की जब बात होगी तो लाइफ डिवाइन के अंदर हमें मिलेगा वही इंटरनल योगा की बात करेंगे, एकात्म योगा की बात करेंगे। ए वर्क दैट एक्सप्लोर द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल योगा। यहाँ पे इनका लाइफ डिवाइन क्या मिलेगा, एकात्म योगा, है ना, एकात्म योग। इनके लाइफ डिवाइन के अंदर हमें क्या मिलेगा देखने को, एकात्म योग देखने को मिलेगा। फिर सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा में हम देखेंगे तो ए वर्क ऑफ द दैट एक्सप्लोर द प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ इंटरनल योगा। इसमें भी वही है कि योगा के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था, एकात्म योगा का सिद्धांत, एकात्म योगा का सिद्धांत यानी एकात्म योग का सिद्धांत एक्सप्लोर किया था इन्होंने। एकात्म योग का सिद्धांत। फिर आगे इसमें आप देखते रहेंगे कि सावित्री ए लीजेंड ऑफ द सिंबल ऑफ द एनी एपिक पोयम। ये जो सावित्री था वो लेजेंड एंड सिंबल, एन एपिक पोयम था ये। ऐसे कौन सा था इनका, ऐसे इनका जो था वो मिला था गीता, और पब्लिश कब हुआ था, 1922 में। अगर पूछा जाता है कि श्री अरविंदो घोष जी का जो ऐसे था वो कौन सा था, तो हम गीता बताएंगे, और पब्लिश कब हुआ था तो हम बताएंगे 1922 में। फिर कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, इन्होंने पोएम और प्लेज को कब कलेक्ट दिया था, किस सन में कलेक्ट किया था, तो बताएंगे 1942 में, 1942 में। फिर आगे इसी में पूछ रहा है द ह्यूमन साइकिल पब्लिश, मतलब ह्यूमन साइकिल जो इन्होंने पब्लिश किया था वो सन कौन सा था, तो 1949 में पब्लिश किए थे। फिर और आगे हम देखेंगे इसमें तो हमें देखने को मिलेगा द आइडियल ह्यूमन यूनिटी, ये कौन से सन में पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1949 में। हमने देखा कि ह्यूमन साइकल्स और आइडियल ह्यूमन यूनिटी ये दोनों एक ही सन में पब्लिश किए थे इन्होंने। ऑन द वेदा, ऑन द वेदा कब पब्लिश हुआ था, ऑन द वेदा पब्लिश हुआ था 1956 को। वंदे मातरम, वंदे मातरम को ए टू वैल्यूम ऑफ कलेक्शन ऑफ द पोलिटिकल राइट्स एंड द स्पीच ऑफ 1892 1908।
इस सन में किया गया था। आगे और देखेंगे कि नॉमिनेटेड में क्या है। नॉमिनेटेड की बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉमिनेटेड में देखेंगे तो हमें मिलेगा कि श्री अरविंदो वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज ट्वाइस बट विच द नॉट अवार्डेड इट। इसमें इन्होंने अपना नॉमिनेटेड तो किया था लेकिन इनको नोबेल प्राइज से दोबारा अवार्डेड नहीं किया गया, मतलब दोबारा अवार्ड इनको नहीं मिला। फिर कह रहा है नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, लिटरेचर में इनको नॉमिनेटेड कब किया गया था, 1943 को किया गया था। आगे नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज, एक नोबेल प्राइज होता है एक नोबेल पीस प्राइज होता है, तो नोबेल प्राइज की बात करेगा तो 1943 को और नोबेल पीस प्राइज की बात करेगा तो 1950 की बात हम करेंगे, यहाँ पे 1950 हो जाएगा। आगे इसी में और दिया है थोड़ा सा, वही जो पहले बातें हमने बताए फिर उसी में आगे इंक्लूड करके दे दिया गया है कि श्री अरविंदो वाज एन इंडियन पोएट, एक भारतीय पोएट थे, फिलोसफर थे, नेशनलिस्ट थे, डेवलपर थे और एकात्म योगा के भी फाउंडर थे। ही वाज द लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इज द नो ऑफ फिलोसफी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इंटीग्रल योगा। His work was include the life divine synthesis of yoga and Savitri, legend of a symbol. मतलब कितने ये legend थे, सारी बातों को discuss किया गया है, सारी बातों को हमने discuss किया। तो एक बार हम फिर से देख लेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से देखेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा श्री अरविंदो इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा बॉर्न कब हुई थी, इस जगह में हुई थी, पहले कलकत्ता था नाम अब कोलकाता हो गया है, और जब डेथ हुई थी तो पांडुचेरी में हुआ था, अब उसका नाम पांडुचेरी हो गया है, और ये एक एकात्म योग के बारे में दिए थे अपना योगदान, पोएट भी थे, इंडियन नेशनलिस्ट भी थे, ये एक फिलोसफर भी थे। और एजुकेशन की बात करेंगे हम तो एजुकेशन में हम देखेंगे कि श्री अरविंदो का जो एजुकेशन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, है ना। इनको कौन कौन से लैंग्वेज की जानकारी थी तो उसमें आ जाता है ग्रीक आ जाता है, लैटिन आ जाता है, और फ्रेंच और जर्मन भी आता है, जर्मन के साथ इनको इटालियन भी आता था। तो ये कौन से कॉलेज से पढ़ाई किए थे तो बताएंगे कि किंग कॉलेज था, है ना, कैम्ब्रिज का किंग कॉलेज था। और इन्होंने अपनी जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की थी वो कौन से लैंग्वेज में की थी, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में किया था। फाउंडर ऑफ आश्रम की बात करेंगे तो हमने बताया कि फाउंडर ऑफ आश्रम में इन्होंने अपने नाम से ही नॉमिनेटेड हुए थे, जिसका ऑर्गेनाइजेशन क्या था कि श्री अरविंदो आश्रम, श्री अरविंदो घोष आश्रम ऐसा कुछ करके था, और कौन से सन में हुआ था तो वो। आगे हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनका जो फेमस वर्क था वो क्या क्या था, श्री अरविंदो का फेमस वर्क क्या था, कौन से सन से स्टार्ट किया और कहाँ तक लेकर गए थे। तो उसमें हमने देखा कि पोएट थे ये, थिंकर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, और योगा भी यहाँ पे दिया गया है। आगे हम लाइफ डिवाइन की बात करेंगे तो लाइफ डिवाइन में हम देखेंगे कि इन्होंने अपना वर्क एक्सप्लोर किया था फिलोसफिकल के रूप में, और इंटरनल योगा भी था इसमें। सिंथेसिस ऑफ योगा की बात करेंगे तो इन्होंने इसमें अपने प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंटरनल योगा को बताया था, मतलब एकात्म योगा के सिद्धांत के बारे में बताया था। और फिर सावित्री की बात करेंगे, सावित्री में आ जाता है कि एक लेजेंड ऑफ सिंबल एंड एपिक पोयम, ये एक एपिक पोयम था। ऐसे की बात करेंगे तो इन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था गीता, और वो पब्लिश कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और कलेक्टेड पोयम और प्ले को इन्होंने कब पब्लिश किया था, इन्होंने पब्लिश किया था 1942 में। और ह्यूमन साइकिल की बात करेंगे और आइडियल ह्यूमन यूनिटी की बात करेंगे तो दोनों एक ही सन में हुआ था, जैसा कि हम देखे थे कि 1949 में हुआ था। और ऑन द वेदा की बात करेंगे तो ऑन द वेदा इन्होंने जब पब्लिश किया था वो कौन सा सन था, वो था 1956। फिर वंदे मातरम की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था, ए टू वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइटिंग एंड द स्पीच फ्रॉम, कौन से सन में किए थे, 1890 में और 1908। फिर आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज में इन्होंने श्री अरविंदो जो थे वो नोबेल प्राइज में नॉमिनेटेड, यानी कि नोबेल प्राइज, एक बार नोबेल प्राइज होता है, एक नोबेल पीस प्राइज होता है, तो नोबेल पीस प्राइज में इन्होंने लिटरेचर के लिए देखा था, यहाँ पे हमने कि नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर 1943 एंड नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज वो 1950 में हुआ था। आगे हमने देखा था कि जो श्री अरविंदो थे वो इंडियन पोएट थे, फिलोसफर थे, और इंटरनल योगा के बारे में पता था इनको, मेथड ऑफ इंटरनल योगा के बारे में पता था, या एक लीडर भी थे।
तो ये सारी बातें। तो आज की क्लास भी यहीं पे खत्म होती है। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसका जो अगला टॉपिक है वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखेंगे, और उसमें भी हम देखेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चीजें किए थे। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।